Good morning, class 12th. Today in the chapter Sexual Reproduction in Flowering Plant, we will discuss post-fertilization event. Soon after the act of double fertilization, the flower, it begin to lose its petals, stamen and style. And now the development of endosperm, embryo, seed and fruit, it starts. Let's begin with the development of endosperm. As we all know that endosperm, it develops as a result of triple fusion between two polar nuclei and a male gamete in the central cell. And this endosperm development, it starts much before the development of the embryo. ठीक है, ये एक तरह की adaptation है ताकि जब embryo अपनी development start करे तो उसके पास कुछ ना कुछ nutrition वहाँ पर present रहे. Fine. Now, based on the division of primary endosperm nucleus, the endosperm is divided into three types. First is nuclear endosperm, second is cellular endosperm, and the third one is hallobial endosperm. We will begin with nuclear endosperm. इसमें जो है primary endosperm nucleus जो है वो mitotic division करके जो है divide करेगा, लेकिन इसमें cell division नहीं होगा, यानी कि cytokinesis नहीं होगा, सिर्फ जो है number increase होगा free nuclei का. ठीक, उसके बाद जो है एम्ब्रियो सैक के अंदर यहाँ बीच में जो है वैक्यूल जो है वो डिवेलप होने लग जाता है. ये जो वैक्यूल है ये सारे के सारे न्यूक्लियाई को पेरिफेरी में पुश कर देता है. ठीक है, सारे के सारे न्यूक्लियाई को जो है पेरिफेरी में धकेल देता है ये. और यहाँ पे अब जो है सेंट्रिपेटल सेल वॉल जो है बनेगी, जिससे कि अब ये एंडोस्पर्म जो है वो सेलुलर हो जाएगा. दिस इज इन द केस ऑफ कोकोनट. कोकोनट में हम लोग देखते हैं कि जो बाहर जो उसका व्हाइट वाला पार्ट होता है जिसे हम खाते हैं, दैट इज द एंडोस्पर्म विच इज सेलुलर एंड मल्टी सेलुलर. एंड द इनर पार्ट इज दैट इज लिक्विड, एंड द लिक्विड पार्ट इज द फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. सेकेंड इज द सेलुलर एंडोस्पर्म. इसमें जो आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, इसमें डिवीजन जैसे ही होगा उसके साथ साथ ही सेल वॉल जो है वो बनती रहेगी. ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स में है अनोना स्क्वामोसा, जिसे हम हिंदी में जो है सीताफल भी कहते हैं, एंड धतूरा एंड बालसम. थर्ड जो है दैट इज हेलोबियल एंडोस्पर्म. इसमें जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो क्लाजल एंड में चला जाता है एम्ब्रियो सैक के, एंड वहाँ पे जाकर जो है पहली न्यूक्लियर डिवीजन होगी जो कि ट्रांसवर्स होगी. दिस इज द ट्रांसवर्स सेल डिवीजन. इसमें जो डिवीजन होगी उसमें एक लार्ज माइक्रोपाइलट सेल बनेगा और एक स्मॉल क्लाजल सेल बनेगा. अब जो क्लाजल सेल है वो डिवाइड नहीं करेगा फर्दर, सिर्फ जो है माइक्रोपाइलट सेल जो है वो डिवाइड करेगा, एंड वो भी जो है वो अपना फ्री न्यूक्लियर डिवीजन जैसा ही करेगा. जैसे हमारा जो है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बना, वैसे ही जो है इसमें भी जो है माइक्रोपाइलट जो सेल है वो डिवाइड करेगा. इसमें भी एक वैक्यूल अपीयर होगा एंड इट विल पुश द न्यूक्लियाई टू द पेरिफेरी एंड देन द सेल वॉल विल बी फॉर्म. दिस इज सीन इन मोनोकॉट्स. नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. इट इज ऑल्सो नोन एज एम्ब्रियोजेनी. एंड सबसे पहले हम इसे देखते हैं डाइकॉट्स में. एंड हेयर जाइगोट इट फर्स्ट एनलार्जेस एंड देन इट डिवाइड्स बाई ट्रांसवर्स डिवीजन एंड इट फॉर्म्स टू अनइक्वल सेल. एक लार्ज बेसल सेल होगा जो कि माइक्रोपाइलर्स एंड पे होगा, एंड एक जो टर्मिनल स्मॉल सेल बनेगा जो कि क्लाजल एंड पे होगा एम्ब्रियो सैक के. ठीक है, यहाँ पे हमने एक फ्लो चार्ट बनाया आपके लिए ताकि आपको लर्निंग में जो है कोई मुश्किल ना आए, आसानी से आप इस सबको लर्न कर लें. जाइगोट जो है देखिए फर्स्ट ट्रांसवर्स डिवीजन से डिवाइड होके उसने पहले बनाया जो है लार्ज बेसल सेल एंड द स्मॉलर टर्मिनल सेल. जो बेसल सेल है इट इज़ टूअर्ड द माइक्रोपाइलर एंड, एंड इसे हम सस्पेंसर सेल भी कहते हैं. एंड सबसे पहले हम इसी की डिवीजन देख लेते हैं. पहले जो है ट्रांसवर्स डिवीजन होगा एंड बहुत सारे ट्रांसवर्स डिवीजन होने वाले हैं, जिससे कि 7 to 10 सेल्ड सस्पेंसर बनेगा. ठीक, जो सस्पेंसर का पहला सेल है जो कि माइक्रोपाइलर एंड पे होगा उसको हम पोस्टीरियर सेल कहते हैं, एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड फ्रॉम द एंडोस्पर्म. एंड वो वाला सस्पेंसर जो कि क्लाजल एंड की साइड पे आ रहा है एंड जो ग्लोबुलर प्रो एम्ब्रियो के कॉन्टैक्ट में होगा उसे हम हाइपोफाइसिस कहते हैं. अब जो हाइपोफाइसिस है इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होंगी, लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स होंगी, एंड 3 tier ऑफ सेल विल बी फॉर्म्ड. एंड ये जो 3 tier ऑफ सेल हैं दे विल लेटर ऑन डिवेलप इनटू रूट एपिकल मेरिस्टेम. फाइन, नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंड टू द टर्मिनल सेल. जो टर्मिनल सेल है वो हमने पहले ही बता दिया कि ये क्लाजल साइड पे रहता है, एंड इसमें इसे हम एम्ब्रियोनल सेल भी कहते हैं. इसमें जो है
लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होगा एंड बनेगा फोर सेल क्वाड्रेंट स्टेज, देन ट्रांसवर्स डिवीजन के बाद एट सेल ऑक्टेंट स्टेज आएगी, देन पेरिक्लिनल डिवीजन होगा। पेरिक्लिनल डिवीजन में जो है जो डिवीजन होता है डैट इज पैरेलल टू द टिश्यू सरफेस एंड इसमें रोज बनेंगी सेल की, ठीक है, वन ओवर दी अदर। जैसे कि आप सिक्के को एक के ऊपर एक रखते रहते हैं वैसे ही पैरेलली डिवीजन होने वाली है एंड द सेल विल बी फॉर्म्ड वन ओवर दी अदर। ठीक, इस डिवीजन से जो है प्रोटोडर्मल सेल बनेंगे एंड कुछ इनर सेल बनेंगे। जो प्रोटोडर्मल सेल है उनमें एंटीक्लिनल डिवीजन होगा। एंटीक्लिनल डिवीजन जो है उसमें क्या होता है, वो वैसे डिवीजन है जिसमें कि परपेंडिकुलर डिवीजन होगा टू द एडजेसेंट सेल लेयर। ठीक, अगर आपकी जो डिवीजन है वो 90 डिग्री पे होने वाला है, ठीक है, इससे बनेगी आपकी एम्ब्रियो की एपिडर्मिस। देन इनर सेल जो है वो डिवाइड करता रहेगा फर्दर एंड इट विल फॉर्म ग्लोबुलर एम्ब्रियो, उसके बाद भी उसका डिवीजन होगा एंड हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बनेगा। ठीक, एंड नाउ दिस डिवीजन विल बी कंटिन्यूइंग इन द हार्ट शेप्ड लोब्स, उसके जो दो लोब्स हैं उसमें ये डिवीजन जो है ये चलती रहती है, ये एक लोब है ये दूसरा लोब है। ये जो दो लोब्स हैं दे विल लेटर ऑन डिवेलप इनटू कॉटिलेडॉन्स एंड इन कॉटिलेडॉन्स के फरों में रहता है प्लिम्यूल। दिस प्लिम्यूल विल डिवेलप इनटू शूट एंड दिस इज द रूट मेरिस्टेम विच विल बी डिवेलपिंग फ्रॉम द हाइपोफाइसेस। अब जो डाइकॉट का मैच्योर एम्ब्रियो है उसमें दो कॉटिलेडॉन्स रहते हैं और एक एम्ब्रियोनल एक्सिस रहता है। एम्ब्रियोनल एक्सिस की पोजीशन से जो है अगर वो कॉटिलेडॉन से ऊपर है तो वो एपिकोटाइल कहलाती है एंड इट विल गिव राइज टू प्लिम्यूल एंड दैट विल फॉर्म शूट। एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस जो कॉटिलेडॉन के नीचे रहती है दैट विल गिव राइज, दैट इज नोन एज हाइपोकोटाइल एंड इट विल गिव राइज टू रेडिकल एंड रेडिकल विल अल्टीमेटली फॉर्म रूट। ठीक, अब एम्ब्रियो इन मोनोकॉट्स में देख लेते हैं कैसे होते हैं। इनमें एक कॉटिलेडॉन होता है एंड दिस कॉटिलेडॉन इज कॉल्ड एज स्क्यूटैलम इन द ग्रास फैमिली एंड इसमें जो इंक्लूड होते हैं दैट इज राइज एंड मेज एंड द एम्ब्रियोनल एक्सिस दिस इज प्रेजेंट इन द साइड। ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है जिसे हम स्क्यूटैलम कहते हैं, दिस इज द एंडोस्पर्म। ठीक, अब जो ये लोअर साइड है इसमें जो रेड अपना रेडिकल है और जो अपनी रूट कैप होती है उसके ऊपर एक सीथ होती है एनक्लोज की होती है उसको हम बोलते हैं कॉल्यूरिजा। एंड यहाँ पे जो प्लिम्यूल है अपर साइड पे इसके ऊपर भी एक हॉलो फॉलियर सीथ है, एक कवरिंग रहती है जिसको हम कॉल्यूपटाइल कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ सीड। अब जो सीड है वो क्या है, एक्चुअली इट इज द एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म which are developing in the embryo sac after the double fertilization with other changes in the ovule. ठीक, fertilized ovule को हम seed कहते हैं। Ultimately हम याद करें तो ovule के structure में हमें integuments याद आती है कि उसमें दो integument थी outer and inner। अब integument तो पूरा seed coat बन गया, जो outer integument थी that will form the testa और जो inner थी जो अंदर वाली थी वो tegmen बन जाएगी। ठीक है, and जो follicle थी वो अब बन जाएगी स्टॉक ऑफ द सीड एंड जो उसमें पोर था जिससे कि पॉलन ट्यूब एंटर करती है ऑव्यूल में यानी कि माइक्रोपाइलेंट, वहाँ पे जो है सीड के ऊपर एक फाइन पोर रहेगा, दैट इज द माइक्रोपाइल एक्चुअली। ठीक, चने को जब आप भिगोएं तो उसके अंदर जो है आप वो छेद आसानी से देख पाते हैं एंड हाइलम मार्क इज द अटैचमेंट टू द स्टॉक। अब जो न्यू सेलस है वो कई वो पूरा यूज हो जाता है एम्ब्रियो की डेवलपमेंट में। ठीक, तो कुछ लेकिन जो स्पीशीज हैं उसमें ये बिल्कुल भी यूज नहीं होता, काफ़ी कुछ इसमें बच जाता है, दैट इट परसिस्ट एज ए थिन लेयर अराउंड द एंडोस्पर्म एंड उस लेयर को हम कहते हैं पेरिस्पर्म एंड इट इज़ इन द केस ऑफ ब्लैक पेपर एंड बीट। एंड कुछ प्लांट जो हैं उनमें जो होती है सीड के अराउंड एक फ्लैशी कोटिंग होती है। ठीक, ये कुछ और स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हम पढ़ रहे हैं सीड के अराउंड जो होते हैं, तो अरील भी एक ऐसे ही स्ट्रक्चर है, ये फ्रेशी कवरिंग रहती है सीड के अराउंड। जैसे कि आपने लीची में देखा होगा, लीची के जब हम बाहर से छिलका उतार देते हैं तो उसके अंदर जो वाइट पार्ट होता है जिसे हम खाते हैं दैट इज द अरील। ऐसे ही पोमग्रेनेट यानी अनार में जो उसका रेड पार्ट है, रेड फ्लैशी पार्ट जिसे हम खाते हैं दैट इज द अरील। ओके, नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल है जो है माइक्रोपाइल पोल पे जो है एक वाइट कलर स्ट्रक्चर होता है यूफॉर्बियसी में, उसे हम कहते हैं करंकल। एंड माइक्रोपाइलर पोल पे ही मोनोकॉट में एक प्लग लाइक स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही ऑब्वियस सा स्ट्रक्चर है, प्रोमिनेंट होता है और उसे हम ऑपरकुलम कहते हैं। ठीक, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एंडोस्पर्म सीड कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स।
नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स भी होते हैं एंड कुछ एल्ब्यूमिनस सीड्स भी होते हैं। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स में जो है एंडोस्पर्म बिल्कुल भी नहीं बचता है, पूरा पूरा यूज्ड अप हो जाता है। एंड ये हम देखते हैं पी एंड ग्राउंड नेट में। एल्ब्यूमिनस जो सीड्स हैं उसमें एंडोस्पर्म बच जाता है थोड़ा बहुत, तो इसमें जो एग्जाम्पल्स हैं वीट एंड मीज है। ठीक, जैसे जैसे सीड मैच्योर होता है उसका वाटर कंटेंट रिड्यूस होता चला जाता है एंड इट इज़ 10-15% बाई मास। एंड ये धीरे धीरे जब ड्राई होता है तो एम्ब्रियो भी जो है एंटर कर जाता है अ स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी, इट इज़ कॉल्ड एज डॉर्मेंसी। फाइन, अब जो सीड्स हैं ये एडवांटेजियस हैं वैसे एंजियोस्पर्म्स के लिए। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द एम्ब्रियो एंड इट प्रोवाइड जेनेटिक वेरिएशन बिकॉज इट इज़ फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसलिए इसमें जेनेटिक वेरिएशन होती है। ठीक, दे कंटेन सफिशियंट फूड रिजर्व्स एंड दे हेल्प इन द डिस्पर्सल एंड स्प्रेड इन द न्यू हैबिटेट्स। अब हम सब जानते हैं कि हमारा जो देश है वो एक जो है कृषि प्रधान देश है, एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है। एंड एग्रीकल्चर बेस्ड के लिए जो है सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है, दैट इज़ द सीड। ये जो सीड है इट इज़ लाइक फूड फॉर अस फॉर थ्रू आउट द सीजन एंड इट ऑल्सो यूज एज सीड टू रेज क्रॉप इन द नेक्स्ट सीजन। हम इसे बीज की तरह भी यूज करते हैं नेक्स्ट सीजन में ग्रो करने के लिए। ठीक है, कुछ जो सीड्स होते हैं उनकी जो जो डॉर्मेंसी होती है वो काफ़ी समय तक की रहती है, वायबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है उनकी। लेकिन कुछ सीड जो होते हैं उनकी वायबिलिटी जो होती है कुछ महीनों में ही ख़त्म हो जाती है। जो सबसे ज़्यादा पुराना जिसकी डॉर्मेंसी है वो हमने देखी थी लुपिनस आर्कटिकस में, एंड ये 10,000 साल तक इसकी डॉर्मेंसी चली थी और उसके बाद ये जर्मिनेट भी किया एंड इसमें फ्लावरिंग भी हुई। ये वाला जो आपको प्लांट मिला था हमें ये था आर्कटिक टुंड्रा में, एंड जो रिसेंट रिकॉर्ड है दैट इज़ ऑफ डेट पाम जिसको हम फिनिक्स डेक्टेलीफेरा भी कहते हैं, ये 2,000 साल की इसकी डॉर्मेंसी थी। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो है दैट फॉर्म व्हाट फॉर्म्ड इज द रिजल्ट इज फ्रूट्स एंड जो राइपेंड ओवरी है दैट इज द फ्रूट एक्चुअली, एंड उसका जो वॉल है ओवरी का इट बिकम्स द फ्रूट वॉल नाउ एंड इट इज़ नोन एज पेरिकार्प। जब ओवरी से ही फ्रूट डिवेलप होता है तो हम उसे ट्रू फ्रूट कहते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में मैंगो आ गया, ग्रेप्स आ गया, कोकुम्बर आ गया, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके। ठीक है, लेकिन जब ओवरी के साथ साथ और भी जो पार्ट्स हैं जैसे कि थैलेमस हो गया इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट तो उसे हम कहते हैं फॉल्स फ्रूट्स, लाइक इन द केस ऑफ एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी। ठीक, अब फ्रूट्स जो हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनते हैं। ठीक, लेकिन कुछ फ्रूट्स जो हैं उनमें जो है वो डिवेलप होते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक, उन्हें हम कहते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स, इट इज़ इन द केस ऑफ बनाना। अब कुछ स्पेशल टेक्निक्स हैं रिप्रोडक्शन की, उनमें जो पहली टेक्निक है वो हम ले रहे हैं एपोमिक्सिस। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इनमें मियोसिस नहीं होता, सिंगेमी नहीं होता है, ये इवॉल्व किया था एस्ट्रेसी ग्रास फैमिली थी, इन सब ने इवॉल्व किया ये मेथड ताकि सी प्रोडक्शन हो सके विदाउट फर्टिलाइजेशन। हैंस विंकर ने 1908 में इसको डिफाइन किया कि इट इज़ द रिप्लेसमेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई एनी मैथड इन विच नो मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन आकर। एंड उनके अकॉर्डिंग ही हम एपोमिक्सिस को अभी दो टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं, एक है स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस जिसे हम एडवेंटिव एम्ब्रियोनी भी कहते हैं। इसमें जो एम्ब्रियो है वो डिवेलप होता है बाय एनी डिप्लॉयड सेल ऑफ न्यूसेलिस और इंटेग्रमेंट। एंड जो गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस है इसमें जो एम्ब्रियो डिवेलप होगा वो हैप्लॉयड सेल से होगा, किसी भी हैप्लॉयड सेल से होगा जो कि एम्ब्रियो सैक में प्रेजेंट है उससे ये एम्ब्रियो डिवेलप होने वाला है। ठीक है, अगर वो अनफर्टिलाइज एग सेल से डिवेलप हुआ एम्ब्रियो तो उसे हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं, अगर वो सिनर्जिड या एंटीपोडल सेल से अराइज हुआ तो उसे हम बोलते हैं एपोगैमी। ठीक है, अब प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी ने 1950 में एपोमिक्सिस को दो टाइप में डिवाइड किया था, नॉन रिकरेंट एंड रिकरेंट एपोमिक्सिस। इनको और भी फर्दर डिवाइड कर दिया गया है, उनमें से कुछ टाइप्स जो है अब हम इनको यहाँ पे स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन इज द नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस, इसमें जो है वन हैप्लॉयड एम्ब्रियो सैक इज फॉर्म्ड फ्रॉम ए मेगास्पोर मदर सेल बाय मियोसिस, जो इसका फर्स्ट फॉर्म है दैट इज हैप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस। इसमें एम्ब्रियो डिवेलप होगा हैप्लॉयड एग विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक, अब हैप्लॉयड एपोगैमी में जो है इसमें एम्ब्रियो डिवेलप होगा एनी अदर सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। फाइन,
अब रिकरेंट एपोमिक्सिस में जो है, जिसे हम गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस भी कहते हैं, इसमें मियोसिस फेल हो जाता है, मतलब और जो है क्रोमोसोम नंबर डबल ही रहते हैं, ठीक है, हाफ नहीं हो पाते, ठीक है। इसके भी दो टाइप्स हैं, फर्स्ट जेनरेटिव एपोस्पोरी, इसमें जो एम्ब्रियो है दैट विल डिवेलप फ्रॉम द डिप्लॉयड सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक, एंड जो सोमेटिक एपोस्पोरी है इसमें डिप्लॉयड एम्ब्रियो डिवेलप होगा डिप्लॉयड सेल ऑफ द न्यूसेलस और इंट्यूगमेंट। थर्ड टाइप जो आती है दैट इज ऑफ एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, जिसे हम स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस भी कहते हैं, इसमें जो एम्ब्रियो है दैट विल डिवेलप फ्रॉम एनी डिप्लॉयड सेल ऑफ द ओव्यूल, ठीक, चाहे वो निसलिस हो चाहे इंटीगमेंट हो, जो कि एम्ब्रियो सैक से बाहर हैं उनसे ये एम्ब्रियो डिवेलप होगा। ये एग्जाम्पल इसमें आ जाता है लेमन का, मैंगो का, ठीक। एक और फोर्थ फॉर्म है इसका वेजिटेटिव एपोमिक्सिस, इसमें जो है बुलबिल्स और वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल्स जो हैं वो फ्लावर की प्लेस ले लेते हैं एंड वो जर्मिनेट कर जाते हैं, अभी अटैच ही हैं वो प्लांट पे तभी कर जाते हैं, मतलब डिटैच नहीं हुए हैं, वो अटैच्ड ही हैं प्लांट के साथ और वो जर्मिनेशन स्टार्ट कर देते हैं। दिस इज इन द केस ऑफ अनियन एंड अगेयर, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंस देख लेते हैं एपोमिक्सिस की क्या है, इसमें मियोसिस नहीं होता है इसलिए रिकॉम्बिनेशन भी नहीं होगा, इसलिए देयरफॉर देयर इज चांसेस टू प्रिपेयर क्लोन, फाइन। जो ये क्लोनल ऑफस्प्रिंग्स होंगे दे विल बी सिमिलर टू दी मदर प्लांट, मतलब ट्रू टू टाइप रहेंगे, जेनेटिक वेरिएशन नहीं आएगा, बिल्कुल मदर प्लांट जैसा ही होगा आपका क्लोनल ऑफस्प्रिंग, ठीक है। यूजफुल करेक्टर्स जो होते हैं इसमें कंजर्व होते हैं एंड देयर इज नो सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन नहीं होता है इसमें हाइब्रिड प्रोजेनी में, मतलब आप इसे सालों साल उगा सकते हैं, ठीक। ये बेसिस है एक्चुअली फॉर द हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री, ठीक। हाइब्रिड जो है वो उसका प्रोडक्शन जो होता है वो बहुत ही कॉस्टली है, अब इतना कॉस्टली होने के कारण क्या होता है, जब फार्मर उसको खरीदता है उसके लिए वो बहुत ही महंगा पड़ता है, अब वो हाइब्रिड उसको साथ में हर साल खरीदना पड़ता है, उसकी जो नेक्स्ट ईयर वो सेम जो है सीड को नहीं लगा सकता है क्योंकि देर विल बी सेग्रीगेशन सीन इन दो सीड्स, ठीक। तो इसलिए जो है एपोमिक्सिस जो है हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री के लिए एक जो है बहुत बड़ी जो है एक रिसर्च जो इस पर चल रही है ताकि हम जो है सस्ते सीड बना सके फार्मर्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट एक और टेक्निक जो है रिप्रोडक्शन की दैट इज पॉली एम्ब्रियोनी, अब जो ओव्यूल होता है उसके अंदर ज़्यादातर एक ही एम्ब्रियो लेता है, लेकिन जब इसमें बहुत सारे एम्ब्रियो आ जाते हैं तो एक ही ओव्यूल में, तब उसे हम पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं, ठीक। डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन ओव्यूल इट इज कॉल्ड एज पॉली एम्ब्रियोनी, इससे सबसे पहले रिपोर्ट किया था एंटोनी वान लीवनहॉक ने 1719 में इन द सीड्स ऑफ ऑरेंज, ठीक। ज़्यादातर ये देखा जाता है जिम्नोस्पर्म्स में, लेकिन एंजियोस्पर्म्स में भी होता है ये कुछ प्लांट्स में, जैसे लेमन, इंडियन ब्लैकबेरी जिसे हम जामुन कहते हैं, टबैको, अनियन, ठीक। अब कॉजेस क्या है एम्ब्रियन पॉली एम्ब्रियोनी के देख लेते हैं, इसके कॉजेस में सबसे पहले हम लेते हैं बाय द क्लीवेज ऑफ प्री एम्ब्रियो, इसमें क्या होता है पहला जो केस है जिसमें इरेगुलर डिवीजन होता है जायगोट सेल का एंड उससे जो है बहुत सारे एम्ब्रियो बन जाते हैं, एंड बर्ड्स सेकेंड में हम देख रहे हैं बर्ड्स एंड आउटग्रोथ्स हैं ये जो है अराइज होएंगी और उसमें से जो है एम्ब्रियो बनेंगे। अब जो फिलामेंटस एम्ब्रियो है इसमें जो है एम्ब्रियो में ब्रांचेस आ जाती हैं और हर ब्रांच जो होती है वो एक एम्ब्रियो को डिवेलप करती है जो, ठीक। अब फिर नेक्स्ट है बाय द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक अदर देन द एग सेल, यानी कि आपका जो सिनर्जिड सेल है चाहे वो फर्टिलाइज हो चाहे अनफर्टिलाइज हो वहाँ से एम्ब्रियो डिवेलप हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज बाय द डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो सैक इन द ओव्यूल, इसमें एक से ज़्यादा एम्ब्रियो सैक होंगे एक ओव्यूल में, एक ओव्यूल में एक्चुअली एक ही एम्ब्रियो सैक होता है लेकिन कुछ में जो है ज़्यादा एम्ब्रियो सैक हो जाते हैं जिससे कि ज़्यादा एम्ब्रियो बनेंगे, लाइक इन द केस ऑफ कैसोरिना मोंटाना। एंड एक और जो इसका एक कॉज है दैट इज बाय द सेल्स ऑफ न्यूसेलस और इंक्यूबमेंट प्रेजेंट इन द वैक्यूल। नेक्स्ट हम सिग्निफिकेंस देखते हैं पॉली एम्ब्रियोनी के, इसमें जो एडवेंटिव एम्ब्रियो है दैट विल डिवेलप फ्रॉम द न्यूसेलस आर सिमिलर टू द मदर प्लांट, मतलब ट्रू टू टाइप रहेगा, एंड प्लांट्स आर फुल ऑफ विगर, एम्ब्रियोज आर डिजीज फ्री, ठीक है। इसमें केस आ जाता है जैसे वायरस फ्री क्लोन्स आर फॉर्म्ड इन लेमन वराइटीज। जो हैप्लॉयड एम्ब्रियोज हैं दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर द स्टडी इन द फील्ड ऑफ साइटोलॉजी, एंड जो होमोजाइगस लाइन्स हैं दे आर डिवेल्प बाई ट्रीटिंग हैप्लॉयड एम्ब्रियोज बाई कॉल्चसिन इन द ब्रीडिंग, ठीक है। प्लांट ब्रीडर्स इसको ज़्यादातर यूज करते हैं, ठीक है। विद दिस वी एंड द चैप्टर एंड वी विल कम विद द नेक्स्ट चैप्टर सो।